इंटरव्यू कर रहे हैं तो इंटरव्यू से ही शुरू करते हैं। एक लालनटॉप की सीरीज है नेताजी घेरे में। एक इंटरव्यू का जिक्र पब्लिक डोमेन में बहुत होता है, आपके मित्र का इंटरव्यू जो अचानक खत्म हो गया था एक डायलॉग के साथ, जो जब हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी और उस तारीख को अगर संवादों के चैप्टर्स में बांटा जाएगा तो शायद एक चैप्टर भी हो, दोस्ती बनी रहे। करण थापर की पिछले दिनों किताब आई और उस किताब में सोर्सेस के हवाले से, टू बी वेरी प्रिसाइज, पवन के हवाले से ये जिक्र हुआ कि प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को वो करण थापर वाला इंटरव्यू बार बार लगातार दिखाया 2014 के चुनाव की तैयारी के लिए। सत्य है या अफवाह? सत्य तो बिल्कुल ही नहीं है, वो एक बड़ी घटना है लेकिन मेरे मोदी जी से जुड़ने से पहले की घटना है। मैं मोदी जी के ऑफिस में 2011 में आया और ये जिस इंटरव्यू की आप चर्चा कर रहे हैं वो उसके दो तीन साल पहले की बात है, 2007, तो मतलब 4 साल पहले की बात है। उस इंटरव्यू को मैंने ज़रूर देखा होगा कई बार, लेकिन जैसे कई लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन मोदी जी को बार बार दिखाने वाली जो बात है वो करण थापर का एक अपना स्टाइल है और ये सेकेंड सोर्स, थर्ड सोर्स नहीं, फोर्थ हैंड सोर्स है। वो बता रहे हैं कि बुक में, जैसा मैंने कहीं पढ़ा कि पवन जी ने उनको बताया कि पवन जी को प्रशांत जी ने बताया, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, ऐसी कोई बात है नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कि इस बात में कोई सच्चाई है कि मोदी जी को इस वीडियो को कई बार दिखाया गया था। लेकिन एक बात में सब लोग बड़ा वजन दे के सच्चाई बताते हैं, प्रशांत किशोर के रकीब भी और दोस्त भी, और मुझसे भी जब उन्हें पता चला कि मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं तो बोले यार एक बात जरूर पूछना कि ये ऐसा क्या है प्रशांत किशोर में कि नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं तो उनके सबसे करीब हो जाते हैं और इतने करीब हो जाते हैं कि जो बेहद करीब लोग हैं वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। नहीं, मैंने अमित शाह का नाम नहीं लिया, नीतीश कुमार से जुड़ते हैं तो उनके इतने ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हो जाते हैं कि आरसीपी, लल्लन सिंह सब असुरक्षित हो जाते हैं, वही राहुल के साथ, वही कैप्टन के साथ। ऐसा क्या है ये, क्या है ये चार्म, क्या है ये मैजिक पोशन ऑफ प्रशांत किशोर, ये कौन से गोले से आता है पीके का ये जादू? नहीं, चार्म तो नहीं है, अगर अगर ऑब्जेक्टिवली भी आपकी बात को मैं लूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे में कमी है कि मैं लोगों को अपने इर्द गिर्द असुरक्षित, अगर ऐसा वो फील करते हैं तो मुझे लगता है कि आई शुड वर्क हार्डर ऑन माई स्किल्स, ऑन माई कैपेबिलिटीज, सो दैट पीपल अराउंड दोज आई हु आई वर्क विथ आर मच मोर कम्फर्टेबल एंड एट ईज। पर ये सारी जो सियासी दोस्तियाँ हैं ये भविष्य की संभावनाओं के लिए अच्छी हैं, ठाकरे साहब, रेड्डी, ममता जी, बस ऐसी ही है संभावना, खाली ग्लैमरस दिखती है बाहर से आपको कि इनके साथ बैठते हैं, इनके साथ डिनर करते हैं, वो सब है, लेकिन धरातल पे उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। आप अपने लिए कुछ अगर कंक्रीट चीज़ बना पाएंगे बिहार में तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो दोस्ती यारी है। अब मिल सकते हैं, फ़ोन पे कोई बधाई दे सकता है, जाकर खाना खा सकते हैं आप, बच्चे का एडमिशन कराना है तो किसी को कह दीजिएगा तो हो जाएगा, वो छोटा मोटा बात है, छोटी मोटी बात है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा लाइफ डिफाइनिंग बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ अपने लिए बड़ा कुछ क्रिएट कर लेते हैं तो ये एड ऑन हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इज इट लर्निंग फ्रॉम ब्रांड मोदी कि पहले अपना एक सॉलिड प्रोडक्ट कर लो जिसको सेल कर सकें, तो बिहार में कुछ ऐसा काम कर लें जो दिखा सकें कि भाई ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, जैसे गुजरात मॉडल सेल किया गया था 2014 में? नहीं, मोदी जी ने जब ये किया तब तो बहुत बड़े आदमी थे, मतलब उन्होंने करीब, तो ये समझ में नहीं आता कि जब आप बहुत बड़े आदमी किसी को बताते हो तो तारीफ कर रहे हो कि तंज कस रहे हो? मैं बिल्कुल तारीफ कर रहा हूँ भाई, जो चीफ मिनिस्टर है और 30 साल का उनका कैरियर है जी, 15 साल एज ए RSS प्रचारक, फिर 15 साल ऑर्गेनाइजर के तौर पे बीजेपी में और 12 साल चीफ मिनिस्टर, करीब करीब 40 साल के बाद गुजरात मॉडल, उसके ऊपर से गुजरात मॉडल और फिर सारा प्रपंच कैंपेन का, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मोदी जी कल आए, कैंपेन हुआ, कल प्रधानमंत्री बन गए, ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो अभी वो पहले शुरुआती दौर में हूँ,
कुछ महीने हुए हैं, अभी एक साल भी नहीं हुआ है, तो मेरे लिए उस तरह का एक्सटेंशन सोचना वो फुलिशनेस होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बिहार में कुछ कर पाऊँगा खुद के लिए तो इन संबंधों का मतलब है, वरना ये ग्लैमरस साउंडिंग कैम हैं कि भाई आप गांधी को जानते हैं, ठाकरे को जानते हैं, पटनायक को जानते हैं, ममता दी को जानते हैं, लेकिन वो तो बहुत बड़े लोग हैं। अगर आप कुछ नहीं बन पाइएगा तो थोड़े दिन के बाद आपको वो जगह नहीं देंगे, जानेंगे कि हाँ ठीक है ये एडवाइज़र हैं। आते हैं फ़ोन बच्चे के एडमिशन के लिए, मेरे खुद के बच्चे के लिए? नहीं नहीं, उस पर बाद में आऊँगा, पर्सनल पे। ऐसे सिफारशी फ़ोन तो बहुत आते होंगे ना कि सर ये करवा दीजिए, वो ठेका वेका दिलवा दीजिए। मेरे पास तो नहीं आते, क्योंकि मैं लोगों को कहता भी हूँ, लोगों को जानकारी भी है कि मैं भाई सरकार में हूँ नहीं और वो काम मैं करता नहीं हूँ, तो इसलिए ज़्यादा नहीं आते लोग। सरकार में नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है, झूठे बोलते हैं सब ऐसे ही। मेरी क्या ताकत है भाई, मेरी कोई ताकत नहीं है। मैं किसी कांस्टेबल की ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करा सकता हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं है। ये लोगों का भ्रम है और ताकत होनी भी नहीं चाहिए। मेरा अपना पक्का यकीन है कि सरकार में उसी को हस्तक्षेप करना चाहिए जो कि अंडर ओथ है। दोज हु आर अंडर ओथ, दोज हु आर इलेक्टेड आर द ओनली वन हु शुड कंट्रीब्यूट और इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, नो मैटर हु यू आर। आप कितने पावरफुल हैं, कितनी सही सोच आपकी है, अगर आप अंडर ओथ नहीं हैं तो आपको सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा मैं सोचता हूँ। आप ऐसा सोचते हैं, फिर आप एक समानांतर तंत्र अच्छी नीयत के साथ आपके शब्दों में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे किया? नहीं, ये समानांतर तंत्र की गांव-गांव, शहर-शहर में लोग हिस्सा लें सियासत में। नहीं, ये तो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, सरकार में। नहीं नहीं, पॉलिटिक्स की ही बात कर रहा हूँ। ये समानांतर तंत्र नहीं है। अच्छा, समानांतर तंत्र मैं सरकारी? नहीं नहीं, मैं अब सरकार से संगठन पे आ गया हूँ। संगठन तो वही मेरा काम ही है, दिन भर वही काम करते हैं, संगठन बनाना। आप दिन भर काम करते हैं और लोग कहते हैं कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह बड़े परेशान रहते हैं इससे। मुझे लगता है ये बेकार की बात है, इसमें मुझे तो प्रशांत किशोर के बारे में इतनी बेकार की बातें पटना से लेकर दिल्ली तक क्यों की जाती हैं? अब ये तो आप बताएंगे। मैंने प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपके विषय में ये पढ़ा ये सुना, मैंने पूछा कितनी ज़्यादा गलत बातें। मैं तो देखिए इसीलिए सब कुछ पूछ ले रहा हूँ सही सही। नहीं, उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बताया भाई आपने कितनी गलत बातें सुनी है वो बता दीजिए। मैं तो क्यूरियोसिटी से ही पूछ रहा था, क्योंकि ज़्यादातर तो गलत बातें ही छपती हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशान हो रहा है। अगर पार्टी की ताकत बढ़ रही है तो उनकी ताकत बढ़ रही है। आप जिन सज्जन का नाम ले रहे हैं, एक बिहार सरकार में मंत्री हैं और एक पार्लियामेंट में पार्टी के नेता हैं, तो अगर पार्टी की ताकत बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो उन दोनों को ही पहले होना है, मेरे से पहले। जी भाई, समझ लीजिए, अब देखिए आप लोगों की ताकत बढ़ रही है।